मुकेश अंबानी यानी कि हमारे मोटा भाई जितने मशहूर हैं उनसे ज्यादा मशहूर है उनका घर एंटीलिया। एंटीलिया को अगर हम लोग इंडिया का सबसे आलीशान घर कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एंटीलिया दुनिया की दूसरी सबसे महंगी प्रॉपर्टी है? जी हाँ गाइज, आप ठीक सुन रहे हैं, पर फिर पहले नंबर पर कौन सी है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। दुनिया की सबसे महंगी प्रॉपर्टीज में पहले नंबर पर है बकिंगम पैलेस, लेकिन वो एक रॉयल प्रॉपर्टी है, एक पब्लिक प्रॉपर्टी है जिसका कोई एक ओनर नहीं है, जिसकी टोटल इवैल्यूएशन है $5 बिलियन यानी कि 35,000 करोड़ रुपए। और दूसरे नंबर पर आती है मुकेश अंबानी की एंटीलिया जो कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसे मुकेश अंबानी खुद ओन करते हैं, जिसकी आज की वैल्यूएशन है $2 बिलियन यानी कि 14,000 करोड़ रुपए। हमारे मोटा भाई ने इंडिया का दुनिया में इतना नाम किया है उसके लिए एक हार्ट तो बनता है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं, और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है, और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। गाइस, आपको BMW का इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।